हेलो स्टूडेंट्स, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हमने सीरीज शुरू की हुई है मेन एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस की, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय, हमारे से कह रहा है कि व्यापार का पूर्ण लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया है। ऑप्शन दिए गए हैं हाबेलर, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, हमारे से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य वित्त का स्रोत है। ऑप्शन दिए गए हैं WTO फंड्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एक्सपोर्ट क्रेडिट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विश्व व्यापार संगठन निधि अर्थात WTO फंड्स जो है सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज़ टू टेक प्लेस इन केस ऑफ, क्या कह रहा है कि डैश के मामले में विदेशी मुद्रा को भौतिक डिलीवरी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्पॉट मार्केट यानी कि हाजिर बाजार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं IMF, IFC, IDA या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है IDA इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे से इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में, इन संस्थाओं के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में IMF के बारे में जानते हैं। तो IMF का जो कॉन्सेप्ट आया था, IMF और वर्ल्ड बैंक का, यह आया था जुलाई 1944 में, जब 44 राष्ट्रों का समूह का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स में। इसलिए इन्हें IMF और WTO को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी IMF की 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, और जो इसने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो 1 मार्च 1947 को शुरू किया था। अब जानते हैं IFC के बारे में। तो IFC की जो स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1956 को हुई थी, और IDA की जो स्थापना हुई थी वो सितंबर 1960 में हुई थी। तो ये थे इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैप्पीनेस इंडेक्स और हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स हैज़ बीन इवॉल्व्ड जॉइंटली बाय द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, बोथ आर लोकेटेड इन, हमारे से क्या कह रहा है कि खुशी सूचकांक या खुश ग्रह सूचकांक पृथ्वी की नई आर्थिक नींव और दोस्तों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, दोनों कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है UK के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय ए बैंक अब्रॉड इज इट्स, क्या कह रहा है कि एक बैंक द्वारा विदेशों में बनाए रखा गया विदेशी मुद्रा खाता क्या कहलाएगा। तो ये बेटा नेस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा सुन लेंगे, एक बैंक द्वारा विदेशों में बनाए रखा गया विदेशी मुद्रा खाता क्या कहलाएगा, ये नेस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड मार्जिन इज, फॉरवर्ड मार्जिन क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इसके, फॉरवर्ड द प्रॉफिट ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन पेबल टू एक्सचेंज ब्रोकर्स, डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट या नन ऑफ द वो। तो ध्यान रखेंगे फॉरवर्ड मार्जिन किसे कहते हैं, स्पॉट दर तथा फॉरवर्ड दर में अंतर को फॉरवर्ड मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंग रेट इज आल्सो नोन एज द, क्या कह रहा है कि खरीदने की दर को क्या कहा जाता है, बिड रेट, ऑफर रेट, स्प्रेड रेट या स्वैप।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बिड रेट, बोली दर जिसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा सिग्निफाइज, तो सेमा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे फेमा का जो पूर्ण रूप है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी फेमा की और इसमें कुल कितने सेक्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एबॉलिश्ड द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ 1429 आइटम्स इन 2000 एंड 2001 एज पर कमिटमेंट टू। भारत ने किस प्रतिबद्धता के अनुसार 2000 और 2001 में 1429 वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन दिए गए हैं गैट प्रतिबंध के अनुसार, गैट समझौते के अनुसार, WTO एग्रीमेंट के अनुसार या साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि SAFTA के अनुसार या नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ध्यान रखेंगे ये जो बैरियर हटाए गए थे ये WTO के अकॉर्डिंगली हटाए गए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर रिलेटेड फैक्टर्स दैट हैव ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इन द रिसेंट पास्ट आर, क्या कह रहे हैं हाल के दिनों में वैश्वीकरण को संचालित करने वाले अंतर संबंधित कारक कौन से हैं? इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड, द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंस या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइलेंट फीचर ऑफ NEP 1991 यार, नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डैश ट्रेड एंड पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल, बैंक, सोशल और फॉरेक्स मार्केट। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 के सुधारों ने व्यापार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों द्वारा किसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं? ऑप्शन जो इसका दिए गए हैं वो दिया गया है औद्योगिक, बैंक, सामाजिक या विदेशी मुद्रा बाजार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस इन्वेस्टमेंट एक्सपोजिस प्राइवेटाइज्ड कंपनीज टू, क्या कह रहा है विनिवेश निजी कंपनियों को किस तरफ उजागर करता है? मार्केट डिसिप्लिन, बिकम मोर एफिशिएंट, सर्वाइव ऑन देयर ओन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MFA वाज रिप्लेस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 बाय AOA, ATC, GATS या TRIMS। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ATC। 1 जनवरी 1995 को MFA की जगह ATC का स्थापना किया गया। आपके लिए होमवर्क रहेगा, बड़े इम्पोर्टेंट है ये ATC का पूरा नाम क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सेज दैट टू एक्सपोर्ट वाज गुड एंड टू बी एनकरेज्ड बट टू इम्पोर्ट वाज बैड एंड टू डिस्करेज, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि निर्यात अच्छा था और प्रोत्साहित किया जाना था लेकिन आयात बुरा था और हतोत्साहित
किया जाना था। कौन सी थ्योरी कहती है? ऑप्शन दिए गए हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी या मर्केंटलाइज्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहती है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत, पूर्ण लाभ सिद्धांत, कारक बंदोबस्त सिद्धांत या व्यापारी सिद्धांत। तो ध्यान रखेंगे बेटा, व्यापारी सिद्धांत कहता है कि निर्यात अच्छा था और प्रोत्साहित किया जाना था, लेकिन आयात बुरा था और हतोत्साहित किया जाना था। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय स्टूडेंट्स।